बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस व एक्ट्रेस का नाम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित हो, चाहे शाहरुख खान काजोल हो, या अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ हो, या फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ हो, एक दूसरे के साथ इनका नाम जुड़ा ही रहता है। लेकिन जिस तरह रवीना टंडन अक्षय कुमार का साथ जुड़ा हुआ है, शायद ही ऐसा कोई दूसरा कपल पॉपुलर होगा। इनके लाइफ के किस्से खूब मशहूर थे, लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जिन्हें बेहद ही कम लोग जानते हैं। वहीं रवीना टंडन को लेकर एक ऐसा किस्सा मशहूर हुआ था जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एक बार हुआ यूं था कि रवीना टंडन को रोते देखकर सन्नी पाजी आग बबूला हो गए थे। जब सनी देओल ने रवीना टंडन से रोने का कारण पूछा तो इसके पीछे उन्होंने अक्षय कुमार का हाथ बताया था। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म जिद्दी की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त एक्ट्रेस काफी ज्यादा परेशान चल रही थी। रवीना टंडन को देकर सनी देओल ने उनसे रोने की वजह पूछी, जिसका कारण उन्होंने अक्षय कुमार को बताया। आपको बता दें कि जिद्दी शूटिंग से पहले रवीना टंडन और अक्षय कुमार एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन किसी कारण उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर अक्षय कुमार का नाम दूसरी एक्ट्रेस के साथ जुड़ने लगा, जिससे रवीना टंडन परेशान हो गई थी। आपको बता दें कि रवीना टंडन की ऐसी हालत देखकर सनी पाजी परेशान हो गए थे और नाराज भी। उन्होंने उसी वक्त अक्षय कुमार से बात करने की ठान ली और दोनों ने एक दूसरे को अनाप शनाप भी कहा। यही वजह बनी सनी देओल और अक्षय कुमार की बीच की वजह। इसी वजह से सनी देओल और अक्षय कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई। वहीं सनी देओल और अक्षय कुमार ने लंबे समय तक बातचीत नहीं की, लेकिन ट्विंकल खन्ना वहीं आकर दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल करवा दिया था। अक्षय कुमार और सनी देओल की कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि इसे कम करने के लिए ट्विंकल खन्ना ने पहला कदम बढ़ाया। ट्विंकल खन्ना ने अपने और अक्षय कुमार की शादी में सनी देओल को भी बुलाया था, फिर दोनों एक्ट्रेस की वहां दोस्ती करवाई थी। आपको बता दें कि ये सारी घटना तब घटी जब जिद्दी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म हिट हुई और फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट भी हो गई थी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.